दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 70% से अधिक वोटिंग। झारखंड में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के तहत मंगलवार को हुए मतदान में कुल 70.54% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार को पंचायत चुनावों के लिए हुए मतदान में देवघर पहले स्थान पर रहा, जहां 79.18% मतदान हुआ। वहीं सबसे कम गुमला में 61.30% मतदान हुआ है। प्रवक्ता ने कहा कि पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि राज्य के 19 जिलों में कुल 70% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तीसरे चरण के लिए कुल 12,912 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 6,021 को संवेदनशील और 3,804 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। बड़ी खबर है, ब्लॉकचेन सिस्टम से धान वितरित करने वाला पहला राज्य बना झारखंड। झारखंड के कई जिलों के प्रखंडों में किसानों को बीज अनुदान पर बीज दिया जा रहा है। समय से पूर्व बीज वितरण की जहां शुरू होने के कारण किसानों तक सही समय से बीज पहुंच रहा है। गौरतलब है कि बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को 50% अनुदान पर गुणवत्तापूर्ण खरीफ फसल के बीज दिए जा रहे हैं। यह योजना झारखंड में 11 मई से शुरू की गई थी। किसानों को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, इसे लेकर राज्य ने ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसिबिलिटी प्लेटफॉर्म तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। समय से किसानों को बीज मिलने के कारण उनके चेहरे खिले हुए हैं। बड़ी खबर है, झारखंड की राजधानी रांची में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड की राजधानी रांची में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बुड़मू थाना अंतर्गत मक्का मुख्य सड़क पर हुआ है। भारी बारिश के कारण से बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ। बोलेरो में सवार 4 लोग हादसे का शिकार हो गए। हादसा मंगलवार देर रात हुआ है। बता दें कि मंगलवार देर रात बोलेरो में सवार 4 लोग इलेक्शन ड्यूटी से लौट रहे थे। इस दौरान बारिश हो रही थी। बारिश के कारण से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बोलेरो पेड़ से टकरा गई। हादसे में घटना स्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल बताया गया है। बड़ी खबर है, आईपीएल के समापन समारोह में छाएगा झारखंड के 6 नृत्य का जादू। इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल 29 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में झारखंड के 6 नृत्य की प्रस्तुति होगी। समापन समारोह में सरायकेला खरसावां में इचागढ़ प्रखंड के सुदूरवर्ती गाँव चोगा के रहने वाले प्रभात कुमार महतो 10 सदस्यीय टीम के साथ परफॉर्म करेंगे। 24 मई को मंगलवार को प्रभात अपनी टीम के साथ अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। बता दें कि 6 नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो केवल पुरुष नर्तक करते हैं। वीर रस के इस नृत्य में पौरुष की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया जाता है। आईपीएल की बात करें तो मंगलवार को हुए पहले क्वालिफायर में नई नवेली टीम गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को मात देकर अपनी जगह पक्की की। अब 29 मई को फाइनल खेलने उतरेगी। बड़ी खबर है, झारखंड में 10वीं और 12वीं की तर्ज पर ली जाएगी कक्षा 3 से 7वीं की परीक्षा। झारखंड में स्कूल खुलते ही कक्षा 3 से लेकर 7वीं तक के छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। सबसे खास बात यह है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के सरकारी विद्यालयों में जैक के मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तर्ज पर ही कक्षा 3 से कक्षा 7वीं तक की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत परीक्षा का संचालन 2 पालियों में होगा। प्रथम पाली में ऑब्जेक्टिव और दूसरी पाली में सब्जेक्टिव सवाल होंगे। 40 अंक के ऑब्जेक्टिव और 40 अंक के सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। इसके साथ ही 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित होंगे। वहीं स्कूलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम की तर्ज पर 3 से 7वीं के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन भी होगा। इन सवालों का जवाब देने के लिए बच्चों को 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा।
हालांकि एग्जाम की तिथि फिलहाल तय नहीं की गई है। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 2124 नए मामले आए सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 2124 ताज़ा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जो पिछले दिन के 1675 मामलों के मुकाबले 449 अधिक हैं। इसी अवधि में 17 लोगों की कोरोना से मौत की खबर है, जिसके बाद देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 5,24,507 हो गई। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 14,971 है, जो देश के कुल सक्रिय मामलों का 0.03% है। पिछले 24 घंटों में 1,977 मरीजों के रिकवर होने के बाद अब तक कोविड 19 से मुक्त हुए लोगों की कुल संख्या 4,26,02,714 हो गई। इस तरह से रिकवरी रेट 98.75% है। इस बीच भारत की दैनिक पॉजिटिविटी दर थोड़ा बढ़कर 0.46% हो गई है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.49% है। बड़ी खबर है, 8 जून से होगी सरकारी स्कूलों की ऑडिट की प्रक्रिया शुरू। झारखंड शिक्षा परियोजना ने 20 मई को इंटरनल ऑडिट को लेकर दिशा निर्देश जारी किया था। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की व्यस्तता को देखते हुए राहत दी है। अब 23 से 31 मई तक चलने वाले ऑडिट कार्य के लिए नई तारीख घोषित की गई है। 8 विभिन्न ऑडिट जी हां स्थलों की जगह 6 स्थलों की लिस्ट तैयार की गई है। ऑडिट कार्य को ले संशोधित विभागीय आदेश जारी कर दिया गया है। उक्त निर्देश में चयनित विद्यालयों का वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुए व्यय एवं प्राप्ति की ऑडिट कराई जाएगी। इन विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों को निर्धारित तिथि को ऑडिट के लिए सभी आवश्यक लेखा दस्तावेज एवं पासबुक का मिलान किया जाएगा। बड़ी खबर है, अब नए फॉर्मूला के तहत बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया की खबरों को माने तो अगला वेतन आयोग आए या ना आए, लेकिन वेतन में बढ़ोतरी का नया फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर से सैलरी बढ़ाने की जगह अब नए फॉर्मूले से बेसिक सैलरी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा हर साल मूल वेतन बढ़ाने की योजना है। हालांकि नया फॉर्मूला 2024 के बाद लागू किया जा सकता है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। खबरों को माने तो केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए नए फॉर्मूले से हर साल केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन तय किया जाएगा। हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से इस तरह से किसी डेवलपमेंट के बारे में पुष्टि नहीं की गई है। खबरों की माने तो अब समय वेतन आयोग से अलग से वेतन बढ़ाने के फॉर्मूले पर विचार करने का है। हर साल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बड़ी खबर है, आज से इनकम टैक्स के नियम में हो रहा है बड़ा बदलाव। अगर आप भी बैंक ये पोस्ट ऑफिस से जुड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये खबर जरूर देखें। आज से इनकम टैक्स विभाग एक बड़े नियम में बदलाव कर रहा है। अब नए नियमों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे ज़्यादा की नकदी जमा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से पैन और आधार जमा करना होगा। इनकम टैक्स रूल्स 2022 के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT ने नए नियम जारी कर दिए हैं, जो आज यानी 26 मई से लागू हो रहे हैं। हालांकि इस नियम को नोटिफाई कर दिया गया है। एक वित्त वर्ष में एक या एक से अधिक खाते में अगर कोई 20 लाख रुपए कैश जमा करता है तो उसे पैन आधार जमा करना होगा। एक वित्त वर्ष में किसी बैंकिंग कंपनी को या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी एक या एक से अधिक अकाउंट से 20 लाख रुपए निकालने पर भी पैन आधार का लिंक होना जरूरी होगा। बड़ी खबर है, ग्राहक से जबरन सर्विस चार्ज नहीं ले सकते हैं रेस्टोरेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने रेस्टोरेंट में लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर चेतावनी दी है। मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया है कि सर्विस चार्ज देना ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है।
कोई रेस्टोरेंट किसी ग्राहक से जबरन सर्विस चार्ज नहीं ले सकता है। रेस्टोरेंट की ओर से लगाए जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स विभाग ने आने वाली 2 जून को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ बैठक बुलाई है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर ढेरों शिकायतें मिलने के बाद कई मीडिया खबरों का संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया गया है। सर्विस चार्ज को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने एनआरएआई के चीफ को एक पत्र लिखा है, जिसमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा गया कि रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है। कोई भी रेस्टोरेंट जबरन ग्राहकों को इसकी वसूली जहां ग्राहकों से इसकी वसूली नहीं कर सकता है। बड़ी खबर है, 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर 23 जून को होंगे उपचुनाव। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 23 जून को वोट डाले जाएंगे, वोटों की गिनती 26 जून को होगी। चुनाव आयोग ने पंजाब की संगरूर, यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। वहीं रामपुर सीट आजम खान के लिए लोकसभा सदस्यता इस्तीफा के बाद खाली हुई है। वहीं त्रिपुरा की अगरतला टाउन, बोर्डो वाली सुरमा और जुबराज नगर विधानसभा सीट पर 23 जून को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली की राजेंद्र नगर, झारखंड की मंदारी और आंध्र प्रदेश की आत्मकुर विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे।